हमारे एक लक्ष्य हमने रखे हैं कि $5 trillion इकॉनमी, वो $5 trillion इकॉनमी पहुंचने के लिए एक ग्रोथ रेट को ईयर ऑन ईयर ईयर आफ्टर ईयर हमको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स रखना है. इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि जो वर्स इन द इकॉनमी जो था वो ओवर इज नाउ ओवर. अभी ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए मैं एक थोड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ कि ये जो फिगर्स हम जो बता रहे हैं दैट विल बी अचीवेबल. वी नीड रूरल एम्प्लॉयमेंट, वी नीड मोर रूरल जॉब्स, वी नीड मोर अर्बन जॉब्स एंड आई थिंक दैट इज वॉट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, विच इज इंडिकेटर्स टूवर्ड्स दैट दैट यू नीड टू क्रिएट इट. ये बजट आज जो आ रहे हैं तो एकदम ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे आ रहे हैं. इंडिया में अब आज हम देश में देखना चाहते हैं कि कैसे हम ग्रोथ को एकदम प्रोपेल कर सकते सके. तो जो कल इकोनॉमिक सर्वे आपने देखे हैं, एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है और आई एम श्योर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे. आज जो एक ईज़ ऑफ लिविंग जो बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान काफ़ी हमने पिछले कुछ साल से देखे हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं और इसमें भी कुछ ध्यान होना चाहिए क्योंकि इसमें इट्स अ विन विन, क्योंकि आम आदमी को भी चाहिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए और इसमें कंजम्पशन डिमांड भी, स्पेशली जो लोअर लेवल्स ऑफ इनकम है वहाँ पे अगर हम इम्प्रूव कर सके तो वहाँ पे प्रोपेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होते हैं और देयरफॉर मेरे ख्याल से हम उम्मीद तो करते हैं और हमको उम्मीद है कि ये बजट में हम डेफिनेटली कुछ टैक्सेशन में, स्पेशल इनकम टैक्स में कुछ ईजिंग देखेंगे स्पेशली फॉर द लोअर इनकम ग्रुप्स.